नमस्कार दर्शक दोस्तों, सूरत चैनल ना पुनीत कार्यक्रम में आपनु हार्दिक स्वागत है। अरे स्वागत है 21st सेंचुरी हॉस्पिटल ना संचालिका डॉक्टर श्रीमती पूर्णिमाबेन नाथकर्णी नु। पूर्णिमाबेन के साथ हमने काफ़ी फोन इन कार्यक्रम किए हुए हैं दर्शक दोस्तों। आज इस विशेष फोन इन कार्यक्रम की वजह है 11/11/2011 की एक विशिष्ट अचीवमेंट। आप सब जानते थे कि 11/11/2011 को क्या हुआ था। समग्र विश्व में एक बड़ा सा माहौल था और उस माहौल में डॉक्टर पूर्णिमाबेन नाथकर्णी ने एक बड़ा सा विक्रम भी अपने नाम पर अंकित कर दिया। वो विक्रम क्या था, इससे उनकी बात की शुरुआत करेंगे। वेलकम डॉक्टर पूर्णिमाबेन, सबसे पहले बात करते हैं 11/11/2011 की। एक्चुअली 11/11/2011 ऐसे 850 साल में एक बार ये दिन आने वाला था, इसलिए उसमें काफ़ी हाई फाई थी और उस वक़्त अपनी सबकी चाहती ऐश्वर्या राय उसके भी पूरे दिन हुए थे और ऐसे लोगों को अफवाहें थी कि ऐश्वर्या राय भी डिलीवरी 11th को करने वाली है। ऐसे अफवाहें होने के कारण शायद इसके कारण जरा हाइप ज़्यादा ही था और हमारे हॉस्पिटल में 9 महीना पहले अराउंड 70-80 केसेस टेस्ट बेबी के किए थे, जिसमें अराउंड 45 पेशेंट्स प्रेग्नेंट थे उस वक़्त। उसमें से ऐसे ही किसी ने पढ़ पढ़ के डॉक्टर 11 तारीख को डिलीवरी करनी है, सो अराउंड 16 फीमेल वर रजिस्टर्ड फॉर 11। 11 तारीख है मारो डिलीवरी जो ये अराउंड 16 पेशेंट्स उस दिन सभी टेस्ट बेबी के पेशेंट्स थे और उन्होंने नाम नंदल किया था और हमने डिसाइड किया उन सबके डिलीवरी करनी। उसमें से 5 पेशेंट्स तो पहले 4 दिन में डिलीवर हो ही गए, क्योंकि डिलीवरी ऐसी स्थिति है कि वी कैन नॉट स्टॉप इट, होना है तो होना है। और नसीब से 11 पेशेंट्स थे वो उस दिन के लिए रह गए, इसलिए पहली डिलीवरी रात को 12:01 को की और लास्ट डिलीवरी 11:11:11 को की। ऑल ऑफ देम वर नसीब से किसी को कुछ नहीं हो गया, सब अच्छे बच्चे, 13 बच्चे आए, 2 ट्वींस थे, 9 सिंगल्स थे और भगवान की कृपा से एवरीथिंग वेंट ऑन पीसफुली एंड एवरीथिंग वाज इन टाइम एंड इसलिए हमने अनायास से रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। दर्शक दोस्तों, तो एक बड़ी बात डॉक्टर पूर्णिमाबेन नाथकर्णी ने की है कि अनायास एक रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका। सवाल यह है कि उन्होंने जो भी कुछ किया इसके ऊपर तरह तरह के सवाल उठ सकते हैं, उठा नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि बाय फोर्स सीजेरियन करके तो उन्होंने ये सब नहीं करवाया था। नहीं, ऐसा नहीं, सबको यूजुअली IVF में क्या होता है, बहुत सालों के बाद बच्चा होता है। यूजुअली नॉर्मली नॉर्मल सेक्स के बाद में बच्चा नहीं होता है तो लेप्रोस्कोपी करते हैं, लेप्रोस्कोपी के बाद में IUI पद्धति करते हैं जिसमें पति का स्पर्म लेकर डबल करके अंदर डालना, उसकी कैपेसिटेशन या फर्टिलाइजेशन पावर बढ़ा के अंतर डालना, IUI पद्धति हो जाती है और जब भी वो फेल हो जाते हैं, सभी रास्ते फेल हो जाते हैं, तभी लोग टेस्ट बेबी करते हैं। यूजुअली टेस्ट बेबी करने वाले लोग काफ़ी बड़ी उम्र वाले होते हैं और इसीलिए उनका इलेक्टिव सीजेरियन सेक्शन 90% होता ही है, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी प्रेशियस बेबी होती है ना, पेशेंट को रिस्क लेना होता है ना डॉक्टर को रिस्क लेना होता है, इसलिए 90% ऑफ द टेस्ट बेबीज की जब डिलीवरी होती है, खास करके बड़ी उम्र में होते हैं, तो वो इलेक्टिव सीजेरियन सेक्शन होता है। बाकी अदरवाइज नॉर्मल सब हो तो नॉर्मल डिलीवरी होती है। उसके पहले 4 नॉर्मल हो गए थे। राइट दर्शक दोस्तों, आप जब भी ये फोन इन कार्यक्रम देख रहे हैं, आप 6533700 पर प्रश्न पूछ सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक 2 फोन आ चुके हैं पहली 5 मिनट में। पूर्णिमा जी, हम उनके सवालों से ही इस कार्यक्रम के आगे बढ़ेंगे। पराक्षा अथवा लाइन से पूछते हैं कि पीपल आर कंफ्यूज अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर, वेदर इट इज रिजल्ट ओरिएंटेड और नॉट, वेदर इट इज कॉस्टली और नॉट कॉस्टली, वेदर whether it is good or it is bad. मेरे ख्याल से ये सब confusions आप आज दूर करें यहाँ से। जी बिल्कुल बिल्कुल पराग, आपको बताती हूँ। सबसे पहले टेस्ट टू बेबी इज नेवर अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। जब पति पत्नी की शादी होती है और उनको एक साल के अंदर अगर तुम अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हो और बच्चा नहीं होता है तो उसको इनफर्टिलिटी है क्या, ऐसे पूछने के लिए, क्योंकि 80% ऑफ द कपल्स को शादी के पहले साल में बच्चा होना ही है, ये नेचर का रूल है। आउट ऑफ द 80 में जो बच जाते हैं 20%, उनको फिर थोड़ी हमारी मदद लगती है। सबसे पहले जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका स्पर्म चेक करते हैं पुरुषों का, क्योंकि पुरुषों का जो गैमिट होता है वो स्पर्म होता है,
तो आपका सीमेन एनालिसिस में स्पर्म चेक हो जाता है। अगर स्पर्म आपके 20 मिलियन स्पर्म काउंट है, 50% मोटिलिटी ग्रेड 3 ग्रेड 4 है, गतिशीलता बोलते हैं, वो सही है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आपकी ओर से कुछ प्रॉब्लम नहीं। फिर आपकी वाइफ को चेक किया जाता है, वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, यूट्रस सही है, ट्यूब सही है। ट्यूब चेक करने के लिए कभी कभी HSG हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी मतलब इंजेक्शन डाल के डाई चेक होता है, अथवा लेप्रोस्कोपी होता है जिसमें ट्यूब चेक होता है, ये सब सही है। सोनोग्राफी मार्कर उनका अंडाशय से बीज अच्छी तरह निकल रहा है, 14th day समागम करवाते, नेचुरल प्लानिंग करते हैं। नेचुरल प्लानिंग होने के बाद आपको 6 महीने में बच्चा नहीं होता है तो टेंशन बढ़ जाता है, तभी और एक नेक्स्ट स्टेप करते हैं जिसको सुपरोविलेशन IUI बोलते हैं। सुपरोविलेशन का मतलब है आपकी पत्नी को गोलियां दी जाती है, उसके साथ साथ उसे थोड़े हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं और उनके एक के बदले में एक दो ज़्यादा बीज तैयार होते हैं, और ये बीज होने के बाद जब भी परिपक्व होकर फूटने का होता है तभी उसको एक इंजेक्शन दिया जाता है HCG का, और उस वक्त आपका स्पर्म लेके लेबोरेटरी में उसको प्रोसेसिंग किया जाता है। स्विम अप स्विम डाउन डिपेंड्स ऑन व्हाट इज अ काउंट, काउंट मोटिलिटी अच्छी है तो उसको एक मेथड होता है, काउंट मोटिलिटी कम है तो अनदर मेथड, ऐसे करके वो स्पर्म लेके इंजेक्शंस के मार्फत योनि मार्ग में से गर्भाशय में डाल देते हैं, और उसमें अगर बच्चा होना चाहिए, उसमें बच्चा होने के चांस 15-20% पर साइकिल होता है, ज़्यादा नहीं होता है। सो जीरो से हम लोग 30% ज़्यादा पे गए। 6 महीना वो किया और फिर भी बच्चा नहीं हो गया तो पेशेंट टेंशन में जाता है, अब क्या, देयर इज नथिंग इन योर हैंड्स, अब जाके फिर टेस्ट ट्यूब बेबी की पद्धति आती है। तो सब नॉर्मल पद्धति होने के बाद ही टेस्ट ट्यूब बेबी पे जाते हैं। छोटी उम्र है, खर्चा कम हो जाता है, बड़ी उम्र है, खर्चा ज़्यादा होता है, बिकॉज योर ओवेरियन रिजर्व डिपेंड्स ऑन योर एज। ओवेरियन रिजर्व का मतलब है अंडाशय में से बीज देने की जो क्षमता है उम्र के साथ कम होती जाती है, इसलिए अगर मेरे पास 35 इयर्स के बाद में कोई औरत आती है तो उसको खर्चा ज़्यादा होना है, क्योंकि उनको हार्मोन्स ज़्यादा लगने हैं, 4 अंडे निकालने के लिए उसको कम से कम 50-60 हज़ार के इंजेक्शन देने पड़ते, ज़्यादा है। जबकि 24 साल की लड़की आती है और यह सब करके उसको बच्चा नहीं होता है तो मात्र 50 हज़ार रुपये में बच्चा होता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी की पद्धति की खर्चा 50 से 1 लाख रुपये तक मानो, और ये लाख डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ हर एज, व्हाट इज़ हर एग गिविंग कैपेसिटी, उसके पति में खामी है या उसमें खामी है, इसके ऊपर ये खर्चा होता है, दैट इज़ नंबर वन। और आपको बताती हमारे ये हॉस्पिटल में गए 4 साल से ये हॉस्पिटल यहाँ है, पहले तो हमारा किल्लापाड़ी में था, लेकिन ये हॉस्पिटल में मिनिमम 40-60-70% प्रेगनेंसी आती है, बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर अर यंगर पेशेंट एट द लो कॉस्ट। तो लो कॉस्ट मिनिमल ओवेरियन स्टिमुलेशन विद ICSI पद्धति से हमारे यहाँ 70% प्रेगनेंसी रेट आता है, वाइल IUI गिव्स यू 17-20%। सो परसेंटेज वाइज टेस्ट टू बेबी इज मोर फर्टिलाइजिंग एंड मोर रिवॉर्डिंग फॉर अगेंस्ट अ कॉस्ट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो बोलते हैं कि इतना कॉस्ट किया तो उसका फायदा, जैसे कि आपके डायमंड के इसमें ग्रेड वन का डायमंड को इतनी कीमत है लेकिन वो ग्रेड वन है, उसका रीसेल वैल्यू भी होता है, ऐसा होता है ना आपके बिजनेस में, उसी तरह जितना कॉस्ट आप डॉक्टर को देते उसका इफेक्टिवली अगर इफेक्टिवनेस देखा जाएगा, 6 साइकिल IUI करो तो 1 साइकिल टेस्ट ट्यूब बेबी के बराबर है, और 6 साइकिल में प्रत्येक साइकिल में आपको 15-20% IUI से आता है तो टेस्ट ट्यूब बेबी में 50% आता है, तो डेफिनेटली टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर अ यंगर पेशेंट इज़ वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। आप समझ गए? सो आपके दोनों क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया शायद। राइट, बहुत बखूबी से आपने जवाब दे दिया। दर्शक दोस्तों, आप डॉक्टर पूर्णिमा में नाथकर्णी से बात कर रहे हैं, 21st Century हॉस्पिटल के संचालक का, 21st Century हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए नहीं है, पूरी जनरल हॉस्पिटल है जहाँ पर सभी रोगों का इलाज होता है। स्टेशन के बिल्कुल सामने, बिल्कुल नज़दीक में आप 21st Century हॉस्पिटल है, और मेरे ख्याल से 2 साल खत्म हो चुके हैं, क्या 3 साल, 4 साल खत्म हो चुके हैं, और 4 साल में प्रगति की शिखर डॉक्टर पूर्णिमा जी के नेतृत्व में ये हॉस्पिटल सर कर रही है। एक और प्रश्न आया है, सिटी लाइट से हीना सदैया का, कैन यू जस्टिफाई द एंटायर हॉस्पिटल विद टेस्ट ट्यूब, मीन्स इफ यू आर स्पेशलाइज इन वन पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब एरिया, हाउ यू कैन जस्टिफाई द अदर एरियाज ऑफ एनी अदर डिजीज।
आपका एक्चुअली टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है ना बेटा, वो कुछ इमरजेंसी नहीं होती है, किसी को इमरजेंसी नहीं होती. देखो गायनेकोलॉजिकली हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, एक तो प्रेगनेंसी और डिलीवरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बच्चा और माँ, उसकी डिलीवरी और उसके 9 महीना संभालना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो एक डिपार्टमेंट ऑब्स्टेट्रिक्स बोलते हैं. दूसरा है गायनेक, गायनेक मतलब यूट्रस और उसके रिलेटेड डिसीजेस. फिर वो कॉन्जेनिटल अनोमलीज या जन्म से जो खामियां होती वो हो सकता है, या फाइब्रॉइड्स वगैरह हो सकता है, ऐसे डिसीज गायनेकोलॉजिकल रिलेटेड डिसीजेस हो सकता है. और थर्ड आता है कैंसर, और फोर्थ आता है इनफर्टिलिटी. ये 4 डिपार्टमेंट है. हर एक जो गायनेक सीख जाता है MD, उसके बाद में उसकी कुछ लाइन की लाइकिंग्स होती है. जैसे कि हमारा पूरा नाड़कर्णी परिवार स्पर्म और अंडे में खुश रहता है, इट्स एब्सोल्युटली पैशनेट अबाउट स्पर्म एंड एग एंड एम्ब्रियो. तो हमारे घर में हर एक छोटा बच्चा 4 साल का भी होता है, मम्मी आज कितने टेस्ट ट्यूब बेबी आए, इस तरह हमारा 4 साल का बच्चा बात करता है. सो दैट इज अ पैशन इन द फैमिली. सो वी एंजॉय स्पर्म्स एग्स, वी एंजॉय गिविंग बेबीज. सो दैट इज द पैशन अ डॉक्टर वी हैव डेवलप्ड इन इनफर्टिलिटी. मे बी मेरा प्यार था वो मेरे हस्बैंड को आया, फिर वो रोग पूजा को लगा, फिर प्रभाकर को लगा, बच्चों को, सभी को वही रोग है जो हर एक में बच्चा देना चाहते हैं. सो दैट्स अ पैशन. नाउ समवन गेट्स अ पैशन फॉर कैंसर, सम डॉक्टर है जिसको कैंसर ही अच्छा करने का पैशन आता है. इस तरह ये 4 अलग डिपार्टमेंट है. आपने मुझे बोला कैन यू जस्टिफाई अदर, यस वी कैन, बिकॉज IVF इज नॉट अ इमरजेंसी. जो डॉक्टर 50 डिलीवरी करता है उसको IVF में टाइम देने को टाइम नहीं मिलता है, बिकॉज उसको डिलीवरी वाले रात मध्यरात का दिन सताते हैं. एक डिलीवरी मतलब एक पुनर्जन्म होता है, डॉक्टर की भी लाइफ उसमें जाती है और पेशेंट की भी जाती है. सो डिलीवरी के पीछे नॉर्मल डिलीवरी है, फोर्सेप्स है, ये है, बच्चे को PPH है, ब्लड प्रेशर बढ़ना है, डायबिटीज़ है, प्रॉब्लम्स है, घड़ी घड़ी अबॉर्शन से उसके प्रॉब्लम्स है. सो व्हेन अ ऑब्स्टेट्रिशियन वांट्स टू, लाइक एक डॉक्टर 50 डिलीवरी कर रहा है और उसको टेस्ट बेबी करना है, मुश्किल है, क्योंकि उसको उतना टाइम, उसका वो पैशन, उसको वो डेवलप नहीं कर सकता है, क्योंकि डिलीवरी वाले उसको अटका के रखते हैं. हमारा उल्टा है, हमारे टेस्ट टू बेबी सुबह से शाम तक क्या बच्चे डाले और प्रेगनेंसी रही. ऑफकोर्स उसके बाद में प्रेगनेंसी, उसको 9 महीना जाना, उसकी डिलीवरी करना. सो सॉलिड ये डिपार्टमेंट, दोनों एक दूसरे को पूरक चलता है. हाँ, जब भी इट कम्स टू अवर जनरल हॉस्पिटल के बारे में, मेडिकल डिपार्टमेंट है, सर्जिकल डिपार्टमेंट है, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट है, सब है हमारे हॉस्पिटल में, वो इतने ऊपर नहीं जा सकते, बिकॉज एक में नाम हो गया तो लोग उसी के नाम से जानते हैं. लेकिन हमारे यहाँ कोई सर्जन आता है तो उसकी सर्जिकल केस आता है तो भी मेरे हस्बैंड सर्जन है, अच्छी तरह उसकी निगरानी की जाती है. हमारे यहाँ फिजिशियंस भी है, पीडियाट्रिशियन भी है, बहुत अच्छी पीडियाट्रिशियन है. इतने डिलीवरी होने हैं तो वो पीडियाट्रिशियन हैज टू वर्क, रेशमा करके डॉक्टर रेशमा सोनी, 24 आवर्स बच्चा बचाना घर जाना है, उसको ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स को मैनेज करना है. हर महीने में कम से कम 10-15 ट्विंस आते हैं, ट्रिपलेट्स आते हैं, 3 बहुत होता है. सो पीडियाट्रिशियन ऑल्सो डज दैट मच गुड जॉब. और हमारे साथ पैथोलॉजिस्ट है, एनेस्थेटिस्ट है, फिजिशियंस है, उनको भी काफ़ी सारा काम पड़ता है. एवरीथिंग वॉज, ऑफकोर्स वी डू नॉट मेक जस्टिस टू दैट डिपार्टमेंट, बट दैट डिपार्टमेंट डॉक्टर हैज टू डू जस्टिस टू हिज डिपार्टमेंट. वी डू जस्टिस टू आवर डिपार्टमेंट. जीवन में पटेल कतारगाम से पूछते हैं कि आपके क्षेत्र में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे आप हो या चाहे और कोई भी हो, चाहे कोई डॉक्टर अकेला हो या हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हो, लेकिन दैट इज ऑल्सो वेरी कन्फ्यूजिंग सिचुएशन. एक एक बात करता है, कोई दूसरी बात करता है, अल्टीमेटली वही कन्फ्यूजन पैदा होता है जो पहले मैंने आपको पूछा. लेकिन इसकी कोई पारासीसी है आपको परखने के लिए कि भाई ये वजह है कि पूर्णिमा जी के पास ही जाइए और ये वजह है कि उनके पास ही जाइए, या आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप ही क्यों सक्सेसफुल होते हो? हाँ, एक बात बताती हूँ. जब कोई डॉक्टर की जश होता है, जश, तो मेरे हिसाब से जब भी डॉक्टर MD MS होके तैयार होके जब भी मार्केट में आता है, उसका फर्स्ट बेसिक एजुकेशन, दैट इज इम्पॉर्टेंट. कहाँ उसका एजुकेशन हो गया और किस तरह के, जैसे कि सोने को तुमको सोना है ना, वो उसको सोनार को अच्छी तरह उसको गरम इसमें लगा के उसका पानी बना के सोने के गहने बनते हैं, उसी तरह जब भी माटी तुमको मटका बनाना है तो माटी को अच्छी तरह, कौन वो माटी का मटका बनाता है उसके ऊपर उसका आकार वगैरह होता है, उसी तरह डॉक्टर.
जब भी डॉक्टर पढ़ के तैयार होता है, कौन से इंस्टीट्यूशन में उसको भाज भाज के बाहर निकाला है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं KEM हॉस्पिटल जैसे हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन में मैंने ट्रेनिंग लिया है और वहाँ दिन रात गधे जैसे हमको काम किया है। ऑफकोर्स सभी इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन होता है, बट KEM वॉज दैट टाइम वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, वहाँ से निकलने के बाद भी हम लोग कच्चे होते हैं और फिर जब भी प्राइवेट प्रैक्टिस में आते हैं तभी तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा रोज रोज पढ़ना, डॉक्टर इज अ स्टूडेंट एवरी डे, और जो रोज डॉक्टर पढ़ता है, नए नए कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता है, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, मैं अब तक हर साल 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करती हूँ और 10 नेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करती हूँ, हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इससे अपना नॉलेज बढ़ता है और जो नॉलेजेबल होता है वो सही ढंग की ट्रीटमेंट दे सकता है इसके ऊपर। दैट इज़ वाई परहैप्स माई सक्सेस रेट्स आर बेटर। एंड थर्ड इज अवर पैशन, अ लव फॉर सब्जेक्ट। हमारा ये सब्जेक्ट इतना दिल का है, स्पर्म और एग एंड स्पर्म, और मैं जब आँख बंद करती हूँ तो मुझे अंडे दिखते हैं, आँख बंद करती हूँ तो स्पर्म दिखते हैं, ऐसा होता है। दैट इज़ वाई आई फील अ पैशन फॉर दैट सब्जेक्ट, दैट ऑल्सो गिव्स यू एकाग्रता आती है काम करने में, कैसे इसको मैं बच्चा दे दूँ, कैसे इसको मैं, इसका जो 20% है वो 30% कैसे करूँ, 30 का 50 कैसे करूँ, इसके ऊपर हर एक, मैं छोड़ो पूजा भी, पूजा मेरी डॉटर है जो ये ज़्यादातर वहाँ रहती है और अभी उसका हस्बैंड प्रभाकर भी है, पूजा भी गुजरात के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन में अहमदाबाद में फर्स्ट आई थी, वो पूरा हिंदुस्तान में शी वॉज़ द फर्स्ट स्टूडेंट, वहाँ के सीख के आई है, और प्रभाकर अभी जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हुआ है लीड्स में जाके अपने एजुकेशन कंप्लीट करके मास्टर्स लेके आ रहा है। सो दैट इज़ वाई योर एजुकेशन, योर बैकग्राउंड, योर पैशन, ऑल दीज थिंग्स टुगेदर मेक मी अ सक्सेसफुल वूमेन। राइट। दर्शक दोस्तों, डॉक्टर पूर्णिमा बेन नादकर्णी ने बहुत 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 खूबसूरती से उनकी सक्सेस के रेट के बारे में बताया। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे प्रश्न हमारे दर्शक मित्रों ने पूछ लिया है, मेरे ख्याल से पूरा फोन इन कार्यक्रम उसी प्रश्नों से खत्म हो जाएगा और समय का पता भी नहीं चलता है कि समय कितना जा रहा है। अब सवाल यह है कि व्हाट इज लेटेस्ट इन दिस पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि आपने बोला कि आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस में जाते हैं, वहाँ पर रिसर्च करते हैं, रिसर्च पेपर लोग पेश करते हैं, आप कुछ सीख के आती हैं और हर चीज में इनोवेशन होता है, हर चीज में नया रिसर्च होता है, R&D इट्स अ कंटिन्यूस एक्टिविटी। टेल मी समथिंग अबाउट दैट, व्हाट इज न्यू इन योर एरिया? या हमारे एरिया में सबसे पहले है ना, पहले कैसे होता था, हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब क्या बोलती हूँ फिर न्यू बताती हूँ। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, बस इसको ट्यूब बंद है या तो इसके पति में खामी है, बहुत स्पर्म कम है, अथवा इसको एंडोमेट्रोसिस बीमारी है, या तो उसके अंडे पैदा नहीं होते, एनोविलेशन है, पॉलीसिस्टिक ओवरी है, या तो यूट्रस में कुछ क्षतियाँ है, वो सब निकाल के हमने रेडी किया। तो टेस्ट्यूब बेबी में पहले 10 दिन हॉर्मोन्स के इंजेक्शन दिया जाता है, दोनों अंडों में काफ़ी सारे फॉलिकल्स तैयार होते हैं, फिर सोनोग्राफी के मार्फत ये फॉलिकल्स बाहर लेते हैं बीज फूटने का इंजेक्शन देने के बाद, और फिर उसके साथ स्पर्म्स मिक्स करके अंदर डालते हैं जिसको IVF बोलते हैं, या तो इक्सी पद्धति में एक अंडे में एक स्पर्म डाला जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो तैयार हो जाता है, भ्रूण तैयार हो जाता है और 48 आवर्स के बाद में अंदर रखते हैं, फिर बच्चा टिकने की दवा देते हैं, इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। अभी पहले कैसे था, पहले रिजल्ट्स कम आते थे, 15%, 20%, और इसीलिए 3-3, 4-4, 5-5 भ्रूण अंदर डालते थे। उससे क्या होने लगा, बहुत ट्विन्स, बहुत ट्रिपलेट्स होने लगे। ट्विन्स ट्रिपलेट्स में कभी कभी पहले डिलीवरी होती है, प्रीमैच्योर डिलीवरी होने का चांस होता है, 27-28, फिर NICU में बच्चा जाता है, और इसीलिए पेशेंट को अल्टीमेटली खर्चा ज़्यादा होता है। बच्चा आता है लेकिन बहुत खर्चे वाला आता है व्हेन इट कम्स टू ट्विन्स एंड ट्रिपलेट्स। सो आजकल ऑल ओवर द वर्ल्ड सिंगल बेबी डालने का आया है, SET बोलते हैं, सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये नई खोज है। दूसरी बात है कौन सा एम्ब्रियो अंदर डालने का कौन सा बेस्ट है, उसको फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी सारे चीज़ें आए हैं। एक है जिसमें PGD करते, PGD मतलब प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रभाकर सिंह सीख के आए हैं और हमने गए साल में 10 पेशेंट किए, कल ही हमारा फर्स्ट PGD का पेशेंट डिलीवर हो गया। PGD मतलब क्या है, आपने टेस्ट ट्यूब बेबी किया,
फोर सेल, एट सेल, एट सेल के ऊपर छोटा सा सेल निकाल के उसमें टेस्ट करने का कि ये एम्ब्रियो सही है या गलत है। वो सही एम्ब्रियो को अंदर डालने से बच्चा रहने का चांस बढ़ जाता है। इसको प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस बोलता है। ये सेकेंड थिंग है सिलेक्शन। थर्ड इज असिस्टेड हैचिंग। असिस्टेड हैचिंग का मतलब ये है कि कोई बड़ी उम्र वाली महिला को टेस्ट ट्यूब बेबी किया 40 साल की उम्र की, तो उसके जो अंडे होते हैं टफ होते, उसका कैप्सूल टफ होता है, तो उनका प्रेगनेंसी चांस सिर्फ 10% होता है। वो बढ़ाने के लिए उसका जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, उसके कवच में थोड़ा सा छिद्र करते हैं, लेज़र असिस्टेड हैचिंग। हमारे हॉस्पिटल में वो मशीन है। और बड़ी उम्र के औरतों को या जिनका घड़ी घड़ी टेस्ट ट्यूब बेबी फेल होता है, रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेल्योर ऐसा बोला जाता है, ऐसी औरतों के लिए असिस्टेड हैचिंग किया जाता है जो हमारे हॉस्पिटल में होता है। और असिस्टेड हैचिंग के साथ माध्यम से प्रेगनेंसी रेट बड़ी उम्र वाली औरतों का भी बढ़ाई जाती है। सेकेंड थिंग है। थर्ड थिंग, फोर्थ थिंग है क्रोमोसोमल अनामली, क्रोमोसोम्स वगैरह चेक करने के, पति में कुछ खामी है क्या, पत्नी में कुछ खामी है, जेनेटिक टेस्टिंग करने का। और जेनेटिकली कुछ एबनॉर्मल है तो यू कैन गिव एग डोनेशन। अगर स्त्री में प्रॉब्लम है तो एग डोनेशन देना, पुरुष में खामी है तो स्पर्म डोनेशन देना। दोनों के यूट्रस में प्रॉब्लम है तो सरोगसी अथवा दूसरे के पेट में, दूसरे के गर्भाशय में बच्चा डाल के बच्चा देना, दैट इज़ नोन एज सरोगसी। ये नया, ये दिस आर द एडवांसमेंट इन IVF। फिर मेटाबॉलमिक्स करके होता है, जो मीडिया करते, मीडिया में एडवांसमेंट हो गए, अलग अलग मीडिया जिस जो थे उसमें बहुत एडवांसमेंट आया है, तुम्हारे मशीन्स में एडवांसमेंट आए हैं। सो दीज आर ऑल। एंड स्टेम सेल, अनदर इज़ अ स्टेम सेल। तो ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल करके आया है, जिसमें जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, पाँचवें दिन का बच्चा आता है, उसमें से इनर सेल मास निकाल के उसका अगर कल्चर रिकल्चर करो तो फ्यूचर में कोई ना कोई ऑर्गन डेवलपमेंट करने की स्थिति आ जाएगी। ये सब नई नई चीज़ें अभी टेस्ट ट्यूब बेबी में होने लगी है। कैन यू एक्सप्लेन मेटाबॉलिस, आपने मेटाबॉलोमिक्स जी, या मेटाबॉलोमिक्स मतलब क्या है? अभी मेरे पास 8 बच्चे हैं, 8 एम्ब्रियो है, और मुझे एक ही डालना है, लेकिन सबसे अच्छा डालना है, तो मुझे कैसे समझेगा कि कौन सा डालने का? तो जिस कल्चर मीडिया में वो एम्ब्रियो होता है, वो कल्चर मीडिया का एक ड्रॉप निकालते हैं और 1 करोड़ के एक मशीन में डालते हैं, जिसमें उसका क्या क्या, उसने ग्लूकोज कितना लिया, पायरुवेट कितना लिया, अमाइनो एसिड कितना लिया, इसके ऊपर से वो 8 सेल्स का वो बोलते हैं कि ये जो है एम्ब्रियो, ये जल्दी पकड़ेगा, इसी को डालो, ऐसा मशीन जवाब देता है। और वो फिर एम्ब्रियो डालने के बाद प्रेगनेंसी चांसेस बहुत हाई होते हैं। एक ही डालो फिर भी वो प्रेग्नेंट बनने का चांस बहुत हाई होता है, लेकिन ये मशीन है काफ़ी महंगा और उस हिसाब से यू कैन नॉट चार्ज द पेशेंट। सो इंडिया में अभी भी ये शुरू नहीं हो गया है, बट दिस इज एब्सोल्युटली अ न्यू थिंग। दर्शक मित्रों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हर्ष शाह मगदल्ला से जो प्रश्न पूछते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मॉरल पे ये सब जाता है। पहले के ज़माने में अगर ऐसा करते तो उसको पाप बोलते थे, अब उसको पाप नहीं गिना जाता है, लेकिन मॉरली हाउ इट इज़ ट्रू, हाउ टू एक्सेप्ट इट, किसी दूसरे का स्पर्म, हाउ इट इज़ पॉसिबल? या आदमी सोचने लगता है। हाँ, सबसे पहली बात यह है, जब एक पति, एक लड़का और लड़की 20-22 साल की उम्र में तुम लोग शादी करते हो, और जब शादी करते हैं अपने हिंदू समाज में, या तो अपने अपने देश में, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सब हो, आफ्टर वेडिंग 1 साल मजा करते हो, एंजॉय करते हो, बच्चा नहीं चाहिए, चलो सेटल होना है, 2 साल एंजॉय करते हो, मजा नहीं, अब सेटल हो गया, आजू बाजू वाले पूछने लगते हैं, बच्चा बच्चा बच्चा। आप लोग जब शादी करते हो, शादी की पहले रात से हम लोग बच्चे का सपना देखते हो, हम लोग सब लोग शादी की आज पहली रात है, तो पहले दिन एक दूसरे के प्यार करते वक्त लड़की के मन में तो बच्चा ही दिखता है, और लड़का भी, हिंदुस्तान का लड़का तो सोचता है मुझे बच्चा कब होगा, मैं बाप कैसे बनूंगा। सो फादर और मदर, ये नेचुरल है, मनुष्य हो जानवर हो, उनके यहाँ भी बच्चा होता है, और अपने यहाँ भी शादी के बाद में यू ऑलवेज थिंक यू शुड हैव अ बेबी, ओके। और जब भी वो लालसा खत्म, लालसा नहीं होती, फिर आप डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर तपास के बोलते हैं आप में स्पर्म नहीं छे, नो स्पर्म, क्या करोगे? तुम डॉक्टर बदलते हो, नहीं ये डॉक्टर सही नहीं है, मेरा मूड नहीं था, मैंने बराबर स्पर्म नहीं दिया, नेक्स्ट टाइम आप
10 दिन के बाद स्पर्म दे दो, वापस नहीं लाया, वो डॉक्टर बदलते हो, दूसरे डॉक्टर के पास, दूसरे लैब के पास जाते हो, क्योंकि यंग लड़का 24 साल का 25 साल का लड़का ठनठनित है, हाथ से इससे बॉडी से ठकाठक है, और नील स्पर्म डॉक्टर गांडू है, दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, उसके पास स्पर्म चेक करता है, वो भी बोलता है नील स्पर्म। अभी आप मेरे हस्बैंड के पास आते हो, वो एंड्रोलॉजिस्ट है, मेल इनफर्टिलिटी होगा, मेरे हस्बैंड के पास जाते हो। अभी मैं आपको बताती हूँ, जब भी नील स्पर्म होता है तो स्पर्म्स कहाँ से आते हैं? शुक्रपिंड से आते हैं। शुक्रपिंड में स्पर्म्स कहाँ से आते हैं? ब्रेन में से FSH करके जो हार्मोन है वो एक्ट होता है, और तभी जाके, और टेस्टोस्टेरोन होता है, तभी जाके आपके शुक्रपिंड में शुक्राणु तैयार हो जाते हैं। जब शुक्राणु नील होते हैं, या तो शुक्रपिंड से नहीं तैयार होते हैं, या तो ब्रेन ही काम नहीं करता है और आने वाला ही नहीं है। सो या तो शुक्रपिंड में डिफेक्ट है, या तो ब्रेन में डिफेक्ट है। अगर ब्रेन में डिफेक्ट है, दवा गोली इंजेक्शन हार्मोन्स देना आ जाता है, इट इज़ नोन एज अ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजियोस्पर्मिया, और शुक्रपिंड में डिफेक्ट है तो आना ही नहीं है, आना ही नहीं है, आना ही नहीं है, स्पर्म आना ही नहीं है, तो क्या करोगे? या तो बिना बच्चे का मर जाओगे, या तो बच्चा अडॉप्ट करोगे। अडॉप्ट करने के लिए इतना बड़ा दिल चाहिए, जो पढ़े लिखों का है, ना नहीं बोलती मैं, काफ़ी लोग अडॉप्ट करते हैं, गुजराती लोग तो सबसे अच्छे हैं जो अडॉप्ट करते हैं, लेकिन जो इतने अडॉप्शन के लिए दिल बड़ा नहीं रखते हैं, वो बिना बच्चे के रोज़ मरते हैं, रोज़ मरते हैं, कैंसर से भी बड़ा। ये मुझे तो कभी कभी मेरे पास पेशेंट का दुख देख के लगता है कि कैंसर से बड़ी बीमारी इनफर्टिलिटी है। कैंसर तो एक बार में मार डालने वाली है, मालूम है कैंसर हो गया, अबे मरवानू छे એટલે આપણે બધું કામ પતાઈ ને નાખી અને પછી મરવાનું છે, ફાઇન। लेकिन इनफर्टिलिटी रोज उस आदमी को मारती है 28 साल से जिसको नील स्पर्म है। ऐसे में मैं हमेशा बोलती हूँ, बेटा जब भी तुम रास्ते पे जाते हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको ब्लड चाहिए, तुम दौड़ के कहीं से जाते हो, ब्लड बैंक में से उसका बी पॉजिटिव ब्लड लाते हो, उसकी जान बचाने के लिए तुम ब्लड बैंक से ब्लड ला के उसको देते हो। पूछते नहीं किसने दिया, ब्राह्मण ने दिया कि इसने दिया कि उसने दिया, पूछते नहीं हो। उसी तरह अगर तुम्हारा, तुम्हारी फैमिली बचाने के लिए तुम्हारे जैसे ही किसी का स्पर्म अगर तुमसे बैंक में दे, और तुम्हारे दोनों के बगीचे में अगर गुलाब का फूल दे, तो आई एम श्योर यू विल नॉट फील इट इज़ इमोरल, इट इज़ मॉरल, बिकॉज हर एक को खुशी से जीने का अधिकार है। गम में मरने से अच्छा, रोज रोज के गम में मरने से अच्छा एक दिन की खुशी पाओ, जिंदगी भर की खुशी एक बच्चा देता है, फिर मॉरालिटी थोड़ी बाजू रख देने की। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और वशिष्ठ देसाई रांदेर रोड से पूछते हैं कि ये एक अनटच सब्जेक्ट अभी तक था, अचानक इतनी जागृति कैसे आ गई, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये अनटच था, टेस्ट ट्यूब बेबी इतना जागृत नहीं था। ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर मैं बोलूँ आपको कि यूरोपियन कंट्री में 1/3 बच्चे टेस्ट ट्यूब बेबी से आते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर हाईली एजुकेटेड पीपल। अपने देश में अनटच रहा क्योंकि अनएजुकेटेड लोग ज़्यादा है, उनकी रॉन्ग धारणाएँ ज़्यादा है, रॉन्ग इंसेप्शन ज़्यादा है, ये मेरा ही बच्चा है कि नहीं ऐसा डर है, मेरा है कि दूसरे का, ऐसे उनको है, और इसीलिए ये अनटच रहा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा नहीं होता है, उसका दुख लोगों को होता है, वैसे वैसे मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चे के लिए कुछ करना है, मैं कर सकूंगा क्या, ऐसे करके डॉक्टर के पास जाने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर भी इसमें ट्रेनिंग लेने लगे हैं, ज़्यादा ज़्यादा टेस्ट बेबी के सेंटर्स भी आने लगे हैं। सूरत में ही मानो कि मुझे लगता है 3-4 सेंटर्स, पहले डॉक्टर निमिष शेलट का था, फिर मी और मम्मी था, फिर हमारा है, अभी दीप्तिबेन का है, फिर प्रकाश पटेल का है। सो सूरत में भी ज़्यादा सेंटर्स आने लगे हैं, ज़्यादा सेंटर से ज़्यादा अवेयरनेस आ जाता है। जैसे कि सोनी की दुकान, 25 सोनी की दुकान है, तो तुमको चॉइस मिलता है कि ये सोनी अच्छा कि ये सोनी अच्छा। उसी तरह जब भी डॉक्टर्स, हार्ट वाले डॉक्टर्स ज़्यादा आएंगे, तो यू हैव अ चॉइस, केयर में जाऊँ कि महावीर में जाऊँ, यहाँ जाऊँ, हार्ट का डॉक्टर सभी हो रहे हैं। उसी तरह टेस्ट ट्यूब बेबी के डॉक्टर्स, एजुकेटेड डॉक्टर्स, सेंटर्स ज़्यादा आने के कारण अवेयरनेस ज़्यादा हो गया, और दैट इज़ वाई पीपल आर नाउ ओपनली टॉकिंग अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी, व्हेन, व्हाई, हाउ। राइट। पूर्णिमा जी, एक और प्रश्न आया है कि हमारे मैरिज के 6 साल हो गए हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती है,
एक बार प्रेगनेंसी रही थी लेकिन मिसकैरेज हो गई थी, IUI हमने ट्रीटमेंट ली है, रिपोर्ट नॉर्मल्स हैं, लेबोरेटरी में भी उन्होंने ट्राई किया है, अब क्या? 6 साल के आपकी शादी हो, अगर एक बार आपको मिस्ड अबॉर्शन हो गया तो आपको बच्चा होने का चांस है, तो बुरा मत मानना। ओनली थिंग इज कभी कभी पुरुषों के स्पर्म जो नॉर्मल होते हैं वो थोड़े थोड़े कम होने लगते हैं, तो सबसे पहले आपका स्पर्म क्या है वो देखना चाहिए, स्पर्म माइग्रेशन टेक, स्पर्म सर्वाइवल कितना है वो चेक करना चाहिए। दूसरा है शायद तुम्हारी वाइफ का लेप्रोस्कोपी इस टाइप करना चाहिए, क्योंकि एक बार रहा मुश्किल से और तभी भी छोड़ हो गया तो यूट्रस के अंदर कुछ पर्दा बिर्दा नहीं, यूट्रस में कुछ इन्फेक्शन नहीं, वो देखना चाहिए। सो ये दो चीज़ें लेप्रोस्कोपी के बाद में, शायद आपको नेचुरल भी बच्चा रहेगा। अगर वो नहीं रहता है तो फिर थोड़े इन्वेस्टिगेशंस करने चाहिए कि कुछ जेनेटिक डिफेक्ट है क्या, या उसके शरीर में कुछ ऐसी खामियां हैं जो बच्चे को रिजेक्ट करती है, वो उनके लिए वो तपास करना चाहिए। और ये सब तपास के बाद में आपको सुपर ओवुलेशन IUI करना चाहिए। आपने क्या बोला, 2-3 साइकिल IUI भी किया है? तो IUI के बाद में जब फेल होता है तब ये सब इन्वेस्टिगेशंस करके क्यों रिजेक्ट करती है वो स्पर्म को, वो चेक करने के बाद शायद आपको IVF करना पड़े। आप हमारा हॉस्पिटल 21st सेंचुरी हॉस्पिटल स्टेशन के बिल्कुल सामने है, 21st सेंचुरी हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, सवेरा हॉस्पिटल के बाजू में, वहाँ आके एक बार मिलिए। शनिवार और बुधवार को मैं मिलती हूँ, पूजा मेरी बेटी बाकी सब दिनों में मिलती है, और अदिति मेरी बहू मिलती है सोमवार गुरुवार। आप तीनों में से किसी को भी मिलो, आपका काम हो जाएगा। राइट, अराजन से सीमा नारंग एक प्रश्न पूछती है कि व्हाट इज द टाइम साइकिल ऑफ द एंटायर प्रोसीजर? या टेस्ट ट्यूब बेबी का मासिक, थोड़े लोगों को मासिक के 7 दिन पहले से ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है और 15 दिन तक खत्म हो जाती है, तो अराउंड 21 डेज का ये साइकिल होता है। और फिर 15 दिन के बाद जब ये बच्चा डालते हैं, 15 दिन के टिकने की दवा देते हैं, सो पूरा 1.25 महीने का साइकिल पकड़िए। राइट, पूर्णिमा नाथकर्णी से हम बात करते हैं और बहुत सारे प्रश्न अभी भी हमारे पास है। हनीपाक रोड से भीमजी भाई नायक एक प्रश्न पूछते हैं कि ये जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो पीड़ाकारक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे? बिकॉज हम थोड़ा इंजेक्शन देते, छोटे सुई से इंजेक्शन देते, वो 10 दिन इंजेक्शन की पीड़ा है, कहीं काटते नहीं, कहीं काटा कुटी नहीं है। सोनोग्राफी मशीन के मार्फत वजाइना योनि मार्ग से हम लोग सुई से सब फॉलिकुलर फ्लूइड लेते हैं, तो ऊपर तो कुछ काटता नहीं, ऊपर काटोगे तो ही दर्द होता है, नहीं तो अंदर से नहीं, तो अंदर से लेते हैं और बच्चा भी अंदर से डालते हैं, तो कुछ नहीं। ओनली थिंग इज एक ही होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी में कभी कभी ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन हो जाता है, मतलब आपको चाहिए 10 अंडे और पेशेंट देता है 30, 35, 40 अंडे, तभी दोनों अंडे बड़े बड़े हो जाते हैं, पेट में कभी कभी पानी हो जाता है, उसको ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन बोलते हैं। ये एक ही साइड इफेक्ट होता है। और दूसरा साइड इफेक्ट है ट्विन्स, ट्रिपलेट्स, क्वाड्रुप्लेट्स, 2, 3, 4 बच्चे हो जाना, ये 2 ही साइड इफेक्ट्स होते हैं, बाकी पेन पीड़ा कुछ नहीं। Right, this is a question, very good question by the one person. होम्योपैथिक में उसका रिजल्ट कैसे मिलता है? नहीं, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए मैं उसके लिए कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, ये किसी होम्योपैथी डॉक्टर ही उसका जवाब दे सकता है। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए ये जो क्वेश्चन है मैं आंसर नहीं। यू वॉन्ट टू नो समथिंग मोर? हेलो, ओके, लेट्स गो वंस अगेन। What is the main reason? वीना जादव पांडे सरा पूछती है कि डिलीवरी नहीं होने की वजह क्या क्या होती है? गर्भपात, डिलीवरी नहीं कि प्रेगनेंसी ना होने की? प्रेगनेंसी, हाँ, प्रेगनेंसी ना होने की वजह सबसे पहले ये है कि पुरुषों में और स्त्रियों में, मैं बताती हूँ, स्त्रियों में जन्मजात खामियाँ, जैसे कि सिंगल यूट्रस है या यूट्रस में बड़ा पर्दा है, सब सेप्टेट यूट्रस बोलते हैं, या बाइकॉनोइड यूट्रस, ये पहला। दूसरा है यूट्रस के अंदर कोई फाइब्रॉयड हो, या यूट्रस के अंदर कुछ पॉलिप हो, या यूट्रस में बहुत सारे गांठे हो, गठाने, फाइब्रॉइड्स, तो बच्चा नहीं होता है। तीसरा, ट्यूब में कुछ इन्फेक्शन हो। ट्यूबोकुलोसिस अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा है, सेप्टिक अबॉर्शन, शादी के पहले कुछ अबॉर्शन किया चुपचाप से, तो उसके कारण इन्फेक्शन हो गया, तो ट्यूब बंद हो जाती है। क्लाइमिडियल इन्फेक्शन से हो जाता है, एक डिलीवरी हो गई या एक गर्भपात किया है तो उसके बाद में इन्फेक्शन हो गया, तो उसके कारण पस होके जाता है, या पेशेंट के हस्बैंड या पेशेंट कहीं दूसरे लोगों से समागम करके आते हैं तो गोनोरिया वगैरह जैसी बीमारी हो जाती है, वो गंदी बीमारियां हैं जिससे इन्फेक्शन जाके ट्यूब बंद होती है, तो उसके लिए फिर टेस्ट ट्यूब बेबी करना पड़ता है।
फोर्थ है अंडाशय, अंडाशय में से बीज ही नहीं निकलता है थोड़े लोगों को, तो एन ओविलेशन बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी कभी नॉर्मल इंजेक्शन जब देने के बावजूद भी बच्चा नहीं होता है तो टेस्ट ट्यूब भी लगता है। अथवा पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक ओवरी ऐसी है जिस स्थूल पेशेंट है, रुआटी है, जाड़ी है, इरेगुलर मेंसिस है, बच्चा नहीं होता है, ऐसे उसका ट्रायड है, तो उसमें बड़े बड़े अंडकोश है लेकिन छोटे छोटे बीज उसमें है लेकिन एक बड़ा होकर निकलता नहीं है। तो ऐसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज के पेशेंट्स को कभी कभी अल्टीमेटली टेस्ट ट्यूब बेबी ही करना पड़ता है। या एंडोमेट्रोसिस की बीमारी, दोनों अंडकोश में खून भरा है, एंडोमेट्रोसिस, एंडो का मतलब यूट्रस का अंदर का पड, और जब भी यूट्रस का अंदर का पड ट्यूब में से जाके ओवरी में घर करता है उसको एंडोमेट्रोसिस बोलते हैं। ऐसे में भयंकर पेन होता है, समागम भी नहीं कर सकती है। ऐसे एंडोमेट्रोसिस की बीमारी में खास करके ग्रेड 3 ग्रेड 4 होती है तो टेस्ट ट्यूब बेबी करना पड़ता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट मेल फैक्टर, मेल्स में अगर बच्चा देना है मेल्स ने तो उसको मिनिमम 15-20 मिलियन स्पर्म होना चाहिए और 50% मोटिलिटी होनी चाहिए, मतलब गतिशीलता। अगर वो कम है तो IUI से होते हैं, लेकिन एकदम कम है, 5 मिलियन से भी कम स्पर्म्स हैं तो फिर टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति इक्सी पद्धति से ही बच्चा होता है। तो ये सब कारण हैं जिनको टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत पड़ती है। राइट, एक बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है कि उन्होंने 3 रीज़न दिए हैं। एक तो बड़ी उम्र, बड़ी उम्र का मतलब कि भाई जो समय पे शादी हो जानी चाहिए वो समय पे शादी हो ही जानी चाहिए लड़की की या लड़के की, और वो बिलो 25, अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। दूसरा उन्होंने बताया कि फिगर मेंटेन करने की लाइफ, तो पोषक तत्वों के अभाव नेचुरली शरीर में हो जाता है क्योंकि हम कुछ चर्बी वाला खाना ही नहीं चाहते हैं, तो कभी कभी चर्बी की भी तो ज़रूरत होती है शरीर को। तीसरा, यूसेज ऑफ मोर इक्विपमेंट्स, यानी नेचुरल कोर्स में समागम की बजाय बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट की अगर हम मदद लेते हैं तो भी ये सब नियंत्रण होता है। हाँ, मतलब प्रेगनेंसी नहीं होने की ये बात है ना, प्रेगनेंसी ना होने की ये कारण जो पूछे, एल्डर द एज, वेरी गुड आंसर। देखो, औरतों की हाइएस्ट फर्टिलिटी 18-24 में आती है। 18-24 एज में 80% वुमेन आर फर्टाइल। पहले ज़माने में हमारे कौन सी उम्र बताई आपने? 18-24 में। हमारे ज़माने में, पहले ज़माने में 12 साल पे शादी होती थी, 14 पे मासिक आता, 15 से लाइन शुरू। सो हमारे दादियाँ, मामियाँ, काकियाँ जो बुढ़ी थी उनको धड़ाधड़ बच्चे होते थे, उनके यहाँ इनफर्टिलिटी मालूम नहीं था बिकॉज दे वर गेटिंग मैरिड एट अ यंगर एज। नाउ गर्ल्स एजुकेशन लेते हैं तो 25 क्या उनकी शादियाँ, एजुकेशन हमारे डॉक्टरों की, हमारे डॉक्टर लड़कियों की शादी 28 के बाद में ही होती है। MBBS MD हो जाते जाते 24 हो जाता है, फिर सेटल थाउ छे, छोकरा ने सेटल थाउ छे, छोकरी ने सेटल थाउ छे, अजू 4 वर्ष, तो 28 साल पे शादी होती है। इसलिए हमारे डॉक्टरों में भी काफ़ी डॉक्टर्स इनफर्टाइल हो गए हैं। फिर भी टिल द एज ऑफ, मैं आपको बताती हूँ, टिल 24 ईयर्स 80%, 24-29 ईयर्स 60% आ जाती है, 29 से 35 ईयर्स तक 40% प्रेगनेंसी देती है, 35 से 40 ईयर्स तक शादी करोगे 20% ही प्रेग्नेंट रहना है और 40 के बाद में सिर्फ 10%। दिस इज नेचर्स रूल, आप समझ गए कि नहीं? इसीलिए इफ यू गेट मैरिड एट 35 तुमको 6 महीने के अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी करना है, ये ध्यान में रखो। इफ यू गेट मैरिड एट 35, सो एल्डर द एज लेसर इज अ चांस ऑफ बिकमिंग नेचुरली प्रेग्नेंट। फिगर, यस, फिगर के लिए देखो, पौष्टिक आहार का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अगर तुमको जिम ज्वाइन करना है, जिम वाले बोलते हैं सिर्फ प्रोटीन खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, हाई प्रोटीन खाओ वगैरह वगैरह बोलते हैं, बट आफ्टर व्हेन योर ग्रोइंग पीरियड इज देयर, आपके ग्रोइंग पीरियड में मतलब छोटे बचपन से 6 महीने से लेकर आप 16 साल के होते हैं तभी आपको क्या खुराक मिलता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो तभी ग्रीन सब्जियां खाने, वेजिटेबल्स खाना, सुबह शाम दूध पीना, मे बी अंडा खाना, लिटिल बिट ऑफ फिश खाना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फिश गिव्स यू ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और सब्जियों से सब मिनरल्स और विटामिन्स पूरी सब्जियाँ और फलों में से मिलता है। दाल भात साग रोटली जो खाते हैं उसमें दूध में से तो प्रोटीन्स मिलता है, प्रोटीन्स एग में से मिलता है, मांसाहार में से मिलता है प्रोटीन्स। फिर तुमको फैट्स चाहिए, थोड़ा बहुत फैट्स भी उस उम्र में सही है, लेकिन
बचपन में भी बच्चों को आजकल क्या है, पास्ता खाना है, पिज्जा खाना है, रोज सूरती लोग तो बाहर ही खाते रहते हैं. आई एम सॉरी टू से दैट फूड फेस्टिवल या फूड फेस्टिवल्स होते हैं एज इट इज एवरी डे इनके लिए फेस्टिवल होता है. एवरी डे हम देखते हैं कि जब देखो बाहर खाते हैं तो बाहर के खाने में आपको ज़्यादा फैट्स मिल जाता है एंड दैट बिकम्स अ लिटिल अनहेल्दी. वंस इन अ वीक खाना एट द मोस्ट ट्वाइस इन अ वीक इट्स ओके, बट रोज बाहर खाने में से अनहेल्दी फूड आता है और दैट लीड्स टू ओबेसिटी एंड ओबेसिटी कम्स इन अ वे ऑफ इनफर्टिलिटी. ज़्यादा मोटा है तो फर्टिलिटी कम हो जाती है, इसलिए थिन एंड लीन रहना हमेशा अच्छा रहता है. राइट. और यूसेज ऑफ नॉन इक्विपमेंट्स, मोर इक्विपमेंट्स मींस ये कॉपर टी या कंडोम. नहीं, फैमिली प्लानिंग मेथड से किसी भी फैमिली प्लानिंग मेथड से बच्चा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है. ओरल पिल्स जब भी वापरते हो तो उसका इफेक्ट ओनली वो साइकिल में होता है, वो आपको बीमारी नहीं देता है. आप 2 साल भी ओरल पिल्स वापरो, बंद करो, तीसरे महीने बंद करते ही दूसरे महीने में आपको बच्चा हो सकता है. सो डोंट वरी. कॉपर टी है, पुट इट शट इट एंड फॉरगेट इट. एक बच्चा होने के बाद आपको कॉपर टी डालनी ही डालनी है, क्योंकि 2 बच्चों में 3 साल का अंतर रखना चाहिए. आज तक मैंने नहीं सुना है कि कॉपर टी से किसी को इन्फेक्शन हो गया. पहले ज़माने में एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं था, तभी कभी हुआ होगा, लेकिन आज गए 10 साल के मेरी प्रैक्टिस में एक भी कॉपर टी ने एक को भी इन्फेक्शन नहीं दिया है. ऑन द कॉन्ट्ररी, इन्फेक्शन पति पत्नी के समागम से आता है, नेवर बिकॉज ऑफ कॉपर टी. थर्ड, कंडोम फेल्योर 50% देता है, लेकिन कंडोम किसी को इन्फेक्शन नहीं देता है. सो ऑन द कॉन्ट्री, कंडोम से HIV नहीं होता है, कंडोम से गोनोरिया नहीं होता है, कंडोम से अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होती है. नो, आई डोंट एग्री विथ यू. नो फैमिली प्लानिंग मेथड गिव्स यू एनी प्रॉब्लम्स. राइट. साइड इफेक्ट. मिस्टर निर्मल वरियावा फ्रॉम कोसाट स्पीकिंग, इज आस्किंग द क्वेश्चन कि इसकी साइड इफेक्ट कुछ होती है अगर ये प्रोसीजर जब होती है और नहीं भी होता है अगर सक्सेस रेट. नहीं, बराबर है. ART का साइड इफेक्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हम करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं, ICSI करते हैं, IVF करते हैं, साइड इफेक्ट एक ही है, ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम. जब भी हॉर्मोन्स के इंजेक्शन देते हैं तो कभी पतली सी लीन पेशेंट हो या पॉलीसिस्टिक ओवरी वाली पेशेंट हो तो हमें चाहिए 10 अंडे, वो 30-40 निकालती है, बहुत सारे. और बहुत सारे अंडे निकलते तो ईस्ट्रोजन बहुत होता है, फिर उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होके उसको पेट में पानी भरने की शक्यता होती है, उसको असाइटिस, छाती में पानी भरने की होती है. आजकल नए इंजेक्शन आए, एंटागोनिस्ट वगैरह आए, तो हमारे यहाँ 100 पेशेंट करेंगे तो भी एक भी पेशेंट को ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन नहीं होता है बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू इंजेक्शंस. दैट्स नंबर वन. और दूसरा है प्रॉब्लम, वो है मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विंस और ट्रिपलेट्स और क्वाड्रुप्लेट्स, ज़्यादा बच्चे होने. ज़्यादा बच्चा होना हमेशा बहुत अच्छा नहीं, मुझे तो नहीं लगता है. मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगता है, उसको भी भगवान ने ट्विंस दे दिया है, लेकिन मुझे ट्विंस पसंद नहीं है, क्योंकि उनको 9 महीना लेते लेते पेशेंट का भी दम निकलता है, मेरा तो ज़्यादा दम निकलता है. और देन उनको बड़ा करना मतलब काफ़ी साल निकल जाते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 साल माँ बाप रात को नहीं सो पाते. ये रोता है तो वो रोता है, तो ये बीमार पड़ता है, वो बीमार पड़ता है, इसको शीशी लगती है, उसको शीशी लगती, प्रॉब्लम्स. सो आई वुड ऑलवेज प्रीफर दैट ट्विंस ट्रिपलेट्स इज अ प्रॉब्लम. राइट. डॉक्टर पूर्णिमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. 45 मिनट्स खत्म हो चुकी है, एक पूरा टास्क, एक पूरा पीरियड वंध्यत्व पे हमने ख़त्म कर लिया है. मेरे ख्याल से ये अभी रिसेस का टाइम है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं. अगले सप्ताह में या तो फिर कभी आपके साथ फिर मुलाकात होगी. दर्शक दोस्तों, पूर्णिमा जी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. आपके दोस्त निखिल मद्रासी और राहुल तानलेकर को आज्ञा दीजिए. नमस्कार.